नमस्कार, आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। और मैं हूं आसिफ इकबाल। दिलों में बढ़ता तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। ये पंक्तियां इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात को बयां करती हैं। बीता सप्ताह समाजवादी पार्टी की आपसी कलह में डूबता उतरता रहा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्री चाचा शिवपाल यादव के बीच अहम और वर्चस्व, बड़ा कौन और छोटा कौन की टकराहट होती रही और नेताजी यानी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव बेटे और भाई के बीच सुलह करवाने में लगे रहे। बात इतनी बढ़ गई कि शिवपाल यादव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन शनिवार दोपहर एक बार फिर चाचा भतीजे ने जब मिलकर लंच किया तो लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन वो राजनीति ही क्या जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाए। फिलहाल जो सुलह दिख रही है वह सतह पर है। भीतर खाने अभी चिंगारियां दबी हुई हैं, इसलिए चाचा भतीजे के साथ बैठने के बावजूद अखिलेश और शिवपाल के समर्थक आमने सामने रहे। शनिवार को अखिलेश के समर्थन में समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ता सुबह से ही नारेबाजी करने लगे। ये कार्यकर्ता अखिलेश को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शिवपाल के समर्थकों ने भी लखनऊ में जमकर नारेबाजी की और एक बार फिर मुलायम सिंह को सामने आना पड़ा। उन्होंने अखिलेश समर्थकों को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर अखिलेश ने शिवपाल के विभाग क्यों लिए, पार्टी में लोकतंत्र है, शिवपाल ने पार्टी के लिए बहुत दर्द सहा है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के काम की सराहना तो की और कहा कि अब सारे विवाद खत्म हो गए हैं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि तब हमने वही किया था जो अखिलेश ने कहा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, हम 5 सीटों पर सिमट कर रह गए। इस पारिवारिक चुनावी प्रहसन पर निदा फाजली का शेर याद आता है, पुरानी रोशनी में और नई में फर्क है इतना, उसे कश्ती नहीं मिलती इसे साहिल नहीं मिलता। अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि कश्ती पर कौन सवार होता है और कौन सुरक्षित साहिल तक पहुंचता है। प्रदेश के इस चुनावी साल में किसी भी कहानी में आखिरी तक ट्विस्ट आते ही रहेंगे, तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेते हैं अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं।